अब ये कहानी जो है ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑफ पाई जैसी कोई फिल्म है, फिल्मी लोग हैं तो पाई से लाइफ ऑफ पाई ना समझ बैठे। ये कहानी जो है हमारी एक बाई लाइफ ऑफ बाई। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, मेरा ब्रीथिंग नॉर्मल हो गया ताली सुन के, बहुत बढ़िया। हाँ उन्हें तो बड़ा हुआ था थोड़ा। तो लाइफ ऑफ बाई मतलब माँ और बेटी की कहानी है। 100% होपलेस हो चुका है बच्चों? देखिए क्या होता है, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपना शरीर भेज देते हैं क्लास में, दिमाग रख देते हैं गार्डन में। महीना में एक बार उनका दिमाग आता है, वो शरीर खाली। आज लेके आए हैं ना, आप नहीं लाए हैं आज भी? ये देखो आप यहां हैं, दिमाग चिंचोली बंदर में है, फोन कर दीजिए उसको कि आ जाओ भाई। तो खैर पाई हो गया, रिलीज डेट बताना है हमने बोला, लाइफ ऑफ बाई माँ और बेटी की कहानी है। तो माँ जो है इसमें जोड़ दिया हमने माँ 33 और बेटी 14। माँ की उम्र है 33 साल, बेटी की उम्र है 14 साल। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारा रिलीज डेट निकलेगा। कोई बता सकता है मैथ में कोई है माई कलाल? कटप्पा? कटप्पा कौन है भाई? अच्छा वो कहीं वो डांस में जैसे लोग होते हैं वैसे मैथ में तो नहीं है? कोई बताएगा दोस्त? चलिए मैं ही बता देता हूं, मैं भी इस लड़ाई में हूं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं। 11/2 आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा। अब 11/2 मतलब दूसरा महीना 11 तारीख, फरवरी 11 तो फिल्म अगले साल तो आएगी नहीं, इसी साल आएगी। चलिए इसको और डबल कर देते हैं, जो चैलेंज है ना मुकेश जी, बड़े अच्छे लग रहे यार ऐसे बैठ के, बैठे हुए हैं हमारे यहाँ सांस फूल रहा है। इसको डबल कर देते हैं चुनौती को, इसमें हमने प्लस किया और 11/2 22/4 बस 22/4 है रिलीज डेट। हम बोले थे मैथमेटिकल परिवार है, पका दूंगा मैथ बता बता के आज। तो 22/4 हो गया हमारा रिलीज डेट। अब क्या है गुरु, आप लोग ऐसे हंस दो, खुल के हंस दो यार, आप हमारी बेइज्जती पे भी हंसेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। हम हंसे तो आप कम से कम हंस दो थोड़ा। चॉकलेट है, चॉकलेट है जो यहां आना था वो नीचे ऑफिस में रख गया है, इवेंट के बाद हम खिलाएंगे। और क्या है इसके बाद? हाँ खैर रिलीज डेट हो गया तो अब, हाँ अब कहावत पे आएंगे हम। कहावत है आप लोगों ने सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। कितने लोगों ने सुना है जब जागो तभी सवेरा? मोरलेस सब सुने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जगे ही नहीं कभी तो कहां सुन पाएंगे। जब जागो तभी सवेरा, उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा तब जाके सुन पाएंगे। तो जब जागो तभी सवेरा एक ऐसा कहावत है जो लोगों ने अभी तक सुना है, आज देखेंगे जो हमारी कहानी है, जो माँ है हमारे सिनेमा में चंदा, वो चरितार्थ करती है इसको, जीवंत करती है इस कहावत को कि जब जागो तभी सवेरा। उसका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो कैसे गाना है ना, प्यार का उम्र हो ना, ना उम्र की सीमा हो ना, ये आरजे होने का फायदा है, आरजे है। तो उसका मानना यही कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो कुछ बंधन, प्यार की जगह सीखना है। तो वो उनका सोचना है कि जिंदगी में कभी भी किसी क्षण किसी भी उम्र के पड़ाव पे किसी वक्त आप कुछ सीख सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बुलाता हूं, मिलवाता हूं। चंदा सहाय रोल नंबर 17 आ जाओ, आइए। सर थोड़ा दीदी के यहाँ आलू पराठा बना रहे थे। ये देखिए ये चंदा जी हैं, इनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आदमी कभी भी सीख सकता है। पराठा बना रही थी, टिफिन में क्या लाई हो आज? सर आलू की सब्जी।
अरे वाह वाह, ऐसा क्या है ना, मैं बताया ना कि हमारा हमारी पत्नी से पूरा मैथमेटिकल मामला है। वो बोलती हैं आज ट्रायंगल खाएंगे कि ये, तो कई बार हमारे और हमारी पत्नी का रफ बुक जैसा संबंध हो जाता है ना, रफ बुक टाइप का। तो पत्नी टिफिन नहीं देती है, तो मैं बोलता हूँ चंदा तू ही लेते आना एक ट्रायंगल और कुछ भिंडी का भुजिया, बहुत कमाल बनाती है। चंदा जी वो कौन सा थ्योरी है, पैथागोरम? यार आप इतने पढ़ने के बाद आरजे कैसे बन गए, हर चीज जानते हो आप यार, फिर रेडियो में क्या कर रहे हो आप? चंदा बताओ इनको, पैथागोरस थ्योरम सबको समझाओ। जी नमस्ते भाइयों और बहनों जी। बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे। और वैसे बस एक बात बतानी थी, जे मैथ्स में जे जो इम्तिहान होते हैं तो वो ट्रायंगल खिला खिला के नहीं पास करते, वो पढ़ाई करके ही पास करते हैं हम। थोड़ा चूंकि आप कह रहे थे तो गलत ना समझ लें सर। अरे नहीं 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 चंदा, मेरा भी छात्रा है, इन्होंने साबित किया है कि किसी उम्र में पढ़ा जा सकता है। बताइए। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है तो जे बहुत पुरानी बात है। जे यूनान के देश में एक बहुत बड़ा पंडित था पाइथागोरस, तो उसके 3 बेटे थे। थोड़े यूनानी नाम अजीब से होते हैं, तो एक का नाम था बेस, दूसरे का नाम था परपेंडिकुलर और तीसरे का नाम हाइपो, अजीब सा ही यूनानी नाम था, हाइपोटेन्यू। हाँ करेक्ट। और अब 3 बेटों का बाप तो मतलब किसी भी जमाने में ऐसे ही करता है, वहाँ तो दहेज की प्रथा भी नहीं थी, तो अपने लौंडे मतलब लड़के काम पर जाते थे और बाप के पास बहुत समय था, सोच विचार करते रहता था, अलग अलग किस्म की चीज़ें सोचते रहता था। तो सोच, 3ों बेटों की लंबाई में बहुत फर्क था, तो बेस छोटा सा था, परपेंडिकुलर ठीक ठाक था, हाइपो हाइपो बहुत लंबा था। अमिताभ बच्चन की तो तरह। पिताजी खाली रहा करते थे और अपने चने और चाय वाय जो भी यूनान में चलती है बिल्कुल पीते पीते वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो कि सबकी लंबाई बराबर हो जाए। अजीब सा ख्याल है, पर 3 बेटों का बाप जो होता है उसे किसी चीज़ की रोक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने ये बात निकाली कि अगर जो सबसे छोटा बेटा था बेस, उसकी लंबाई को डबल मतलब गुणा कर दिया जाए, स्क्वायर जिसे हम सर ने सिखाया था स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई लंबाई को भी स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो हाइपोटेन्यू की स्क्वायर से बराबरी हो जाएगी। इस बात से यूनानी समाज का क्या फायदा हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, हाँ। लेकिन सर ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जीवन में याद रखना चाहिए ये। क्या बात है, तालियां। देखिए चंदा ने कितनी बढ़िया से मैथमेटिक्स को, थ्योरी को एक कहां से शुरू करके पूरी कहानी समझा दी। चलो चंदा एक और चीज बता दो इनको, और ताली बजाइएगा थोड़ा अच्छे से आप लोग। बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? समझाओ, याद करो, याद करो, टेन। तुम हाँ तुम्हें पता है, याद करके बताओ। हमको याद है, समझाए थे सर आप। हाँ, तन टेन सेन हाँ स्क्वायर थेटा जमा कॉस स्क्वायर थेटा, हाँ हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, सेन स्क्वायर थेटा जमा कॉस स्क्वायर थेटा बराबर वन वन क्या बात है, वन वन सर तालियां। वन। चंदा अपने फॉर्मूले ऐसे ही याद करती है, बर्तन टूटा, कप गिरा, साबुन खत्म हो गए। अच्छी बात है, आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप लोग बोर हो चुके होंगे मैथ सुन सुन के, ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी, ये फिल्म कहीं मैथ की कहानी तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ये मैथ की कहानी नहीं है। मैथ जो है इसमें विलेन है और नायिका से आप मिल ही चुके हैं, तो नायिका है ये चंदा जी और मैथ है विलेन। अब आप ये मत समझिएगा कि मैथ जो है इनसे जबरन शादी करना चाहता है और ये केमिस्ट्री से प्यार करती है, और इनके पिताजी संस्कृत प्रसाद उसके विरोध है कि केमिस्ट्री को तो आने नहीं दूंगा, हट केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। हाँ बजा दो यार, अच्छे से बजा दो एक बार। इस कहानी में मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? ओ भाई साहब,
मोबाइल से हाथ हटाओ ना, सुनो हमारी बात मैडम, खून जला रहा हूं मैं। मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? अब हीरो क्या बताएं? सेटअप बॉक्स। अब हीरो है या जीरो है आप खुद देख के तय कर लीजिए, खुद देखिए हीरो है कि जीरो है। भाई आओ चलाओ।